हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली ए स्टारगेट। आज हम इंटरनेशनल बॉडीज़ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाली बॉडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें सब कुछ जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं हर वीडियो में बता ही देता हूँ लगभग, कि आपको पेज जैसे आप इसके नोट्स बना लोगे, ठीक है, फिर आपको आधा पेज या एक पेज छोड़ देना है। छोड़ इसलिए देना है क्योंकि इसके अपडेट होते रहेंगे ना, ठीक है। जैसे करंट में आएगा तो करंट बहुत ज़रूरी है, मैं तो कवर कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी अपने आप से भी आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो करंट के लिए आपको जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो उसके बाद आधा या एक पेज छोड़ देना है, ठीक है, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। जितनी भी मैंने ये बॉडीज करा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सभी करा दूँगा, FATF जो भी कमेंट करते हो आप लोग, मैं सब की सब करा दूँगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो लिख लीजिए, ये UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, सिंपल। देखिए, दूसरा, अभी आपने देखा होगा एक दो या दो तीन मंथ पहले हमारे जो विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज जी, वे हिंदी को UN की एक भाषा बनाना चाहते हैं, जो अभी 6 भाषा है, 7वीं ऐड करवाना चाहती है ना हिंदी को। उसका देखिए बहुत जगह फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो इसकी वेबसाइट पर आपको हिंदी नहीं मिलेगी, बाकी जितनी लैंग्वेज वहाँ पर UN में जो जिनको मान्यता मिली हुई है उनको आप मतलब उनमें मिल जाएगी, सारा का सारा जो कंटेंट है उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे हिंदी नहीं है तो हिंदी में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट खोलोगे आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, तो हमको फिर इंग्लिश में करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए है कि काफ़ी जगह फ़ायदा हो गया थी UN की मान्यता मिल जाती है हिंदी को, ठीक है। धीरे धीरे देखिए मिलेगी जरूर, ठीक है, फिर ये आप हिंदी में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1948 में, यानी देखिए लिखा हुआ है, वैसे हिंदी में आके लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, ठीक है। कब मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है PCS वगैरह में, डेट पूछ लेते हैं ना, 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, जब से WHO की स्थापना हुई है, यानी 1948 से, सिंपल। कुछ इन्होंने और बातें कही हुई है, इन्होंने बोला है कि हमारी जो संस्था है पूरे विश्व में लगभग 150 कंट्री में हमारे ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, यूरोप की कंट्री है, इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूँगा। इसके 6 रीजनल ऑफिस भी है, ध्यान रखिए, अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और 150 देशों में लगभग इसके ऑफिस है और 6 रीजनल ऑफिस है उनकी लोकेशन। 150 की तो आपको ध्यान नहीं रखनी, लेकिन जो 6 रीजनल ऑफिस है उनको ध्यान रखना है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। और लगभग 7000 लोग काम करते हैं इसमें, तो सिंपल बात है, ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, सिंपल बात है। ये करते क्या है, काम ये करते हैं कि ये मतलब स्वास्थ्य सभी की हेल्दी रहे, पूरे विश्व हेल्दी रहे, पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं सब हेल्दी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर जगह, प्रत्येक जगह, ऐसा नहीं केवल यूरोप पे फोकस करेंगे, ठीक है, सब जगह फोकस करते हैं ये, अमेरिका हो, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ये, इनका मकसद है बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, मतलब सभी के लिए सभी जगह, ठीक है। और 194 स्टेट है, मैंने उनके ही वेबसाइट से कट लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 194 मेंबर स्टेट है इसके, ठीक है। 6 रीजन है, मैं दिखाऊंगा 6 रीजन कहाँ कहाँ पे है, और 150 ऑफिस अन्य कंट्रियों में है, सिंपल। एक तो इसका हेडक्वार्टर हो गया, दूसरा इसके 6 रीजन हो गए जो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, बाद में। और इसके 150 ऑफिस हर कंट्री में है, ठीक है, लगभग हर कंट्री में, वैसे तो 194 है तो उससे कम में ही है, 150 में है, यानी लगभग 44 में नहीं है, क्योंकि मैं छोटे देश है तो बराबर वालों से काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए एक देश यहाँ पे है, एक देश यहाँ पे है, छोटे छोटे आइलैंड है, तो यहाँ पे ऑफिस है तो इससे ही काम चल जाता है, ठीक है, तो इसलिए नहीं बनाया वहाँ पे उन्होंने, ठीक है। ये फोकस दोनों प्रकार की बीमारियों पर करते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए कम्युनिकेबल डिजीज ये होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मतलब कोई खाना खाता है किसी के साथ या सांसों के द्वारा, ठीक है,
जो आप सांस लेते हो उसके द्वारा फैल सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज़। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिजीज़ होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहने से, खाने से नहीं फैलता, ठीक है। जैसे कैंसर, अब मान लो किसी को कैंसर हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ खाना खाओगे तो आपको भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे स्वाइन फ्लू है, यदि आप उसके संपर्क में जाओगे उसकी सांसों से, आपको भी स्वाइन फ्लू हो सकता है, सिंपल। तो ये होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, सिंपल, ठीक है। इसका नाम क्या है अब, WHO, इसका पहला नाम क्या था, इसका पहले इसको बोला जाता था OMS। OMS क्या है, ऑर्गेन, याद नहीं रखना ये, बस मैंने दे दिया कि आप सोचोगे कि OMS क्या है, तो मैंने याद नहीं रखना आपको, सिंपल, ठीक है। स्थापना को 17 साल हो गए, US की स्पेशलाइज एजेंसी है, सिंपल, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख लेते हैं आगे, आइए देखिए। हाँ, पहले मैं आपको इसका जेनेवा की लोकेशन दिखा देता हूँ, ये मैप में, ठीक है। ये देखिए हमारा प्यारा सा भारत है, इससे आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, ग्रीस होते हुए आगे बढ़ेंगे, यूरोप में पहुंच गए आप, ग्रीस में आते यूरोप में पहुंच गए, ठीक है। यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, यदि आप देखना चाहते हो यूरोप में मैपिंग की वीडियो बनी है, सभी पे मैपिंग की वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो आप जाइए, आपको स्पेन, फ्रांस, ठीक है, बेल्जियम, जर्मनी, इसके नीचे देखिए, यानी फ्रांस के पूर्व में देखिए, आ जाएगा, अभी आ गया स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड के इधर देखिए आप, ये देखिए जिनेवा, ठीक है, किसकी कंट्री, स्विट्जरलैंड की, यूरोप में एक देश है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर है, सिंपल, ठीक है। अब एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए WHO का जो संविधान है ना, वो 22 जुलाई 1946 को स्वीकार किया गया था, ठीक है, लेकिन ये 7 अप्रैल 1948 से लागू हो गया। यदि पूछा जाए संविधान कब बना, वैसे नहीं पूछे गए तो, ठीक है, बस ये पूछा जाता है कि 7 अप्रैल कब इसकी स्थापना हुई, तो 7 अप्रैल 1948, लेकिन माइंड में आपकी क्लियर रहे थोड़ा सा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक और बात है कि 15 नवंबर 1947 को ही जो WHO है वो UN का एक अभिकरण बन गया था, यानी एक स्पेशलाइज एजेंसी बन गई थी, जो आगे भी लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, सिंपल, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, यानी सभी का हेल्थ जीवन हो, सभी का, सभी जगह, ठीक है। मुख्यालय जिनेवा दिखा दिया आपको मैंने, ठीक है। ये WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी सदस्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का WHO सदस्य है, जी हाँ बिल्कुल सदस्य है, आपको इस बात को भी लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 193 लिखा हुआ है, वैसे 194 देश है, ठीक है, 194 देश है, 2 संबद्ध सदस्य है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक देश है, सिंपल सी बात है, भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। और यदि अब देखिए, अब इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि पूछा जाए कि WHO का कोई मुख्यालय भारत में भी है, तो बिल्कुल है, आपको हाँ करनी है, ठीक है, मतलब राइट निशान लगाना है। आगे देखिए, अब इनको यदि आप पढ़ सकते हो या ध्यान रख सकते हो, क्योंकि 10 नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक, क्योंकि देखिए अगर हो 20-30 नंबर, 10 नंबर भी इतना बड़ा नहीं होता, बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। 10 प्रमुख जानलेवा बीमारियों की पहचान की है, ये सब के नाम लिखे हुए कैंसर, ठीक है, इनके नाम आप देख सकते हो। देखिए इसके नाम इंग्लिश में थे तो ये मैंने अपने आप से किया हुआ, यदि इनमें कोई उच्चारण में गलती हो जाए तो मैं एम सॉरी कहता हूँ आपको, लेकिन ये सब लिखे हुए TB, ठीक है, ये 10 डिजीज है, पढ़ लीजिए और उनको ध्यान रखिए, 2-3 बार पढ़ेंगे ध्यान रहेगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें बातें हैं। संगठन यानी WHO द्वारा अनिवार्य औषधि एवं टीका कार्य योजना के अंतर्गत विकासशील देशों में प्रभावी व सुरक्षित औषधियों एवं टीकों के उत्पादन, चयन व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती, और 1990 में आरम्भ किए गए पदार्थ दुरुपयोग कार्यक्रम, यदि पूछा जाए पदार्थ दुरुपयोग कार्यक्रम किससे रिलेटेड, किस कौन संस्था काम करती है, WHO, उद्देश्य मनुष्यक्रिय दवाइयों एवं पदार्थों की मांग को घटना और नियंत्रित करना है, ठीक है, घटाना है, ये पदार्थों घटाना और ये उद्देश्य है यहाँ पे मनुष्यक्रिय। WHO संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय आधार पर स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध कराता है, यानी मान लीजिए कहीं पर गृह युद्ध की स्थिति है या 2 देश लड़ रहे हैं आपस में, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ भी ये सहायता उपलब्ध कराता है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसके प्रमुख अंग लिख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, क्षेत्रीय समितियां तथा सचिवालय है, ठीक है। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं, आइए देखिए,
सभी सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है, WHO का राजनीतिक अंग है, सिंपल। यह संगठन की सभी दीर्घकालिक योजनाओं को स्वीकृति देती है तथा बजट एवं वार्षिक कार्यक्रम तैयार करती है। सभा द्वारा स्वास्थ्य समझौतों की सिफारिश एवं अनुमोदन किया जाता है तथा तकनीकी स्वास्थ्य विनियमों को अंगीकृत किया जाता है। अब इस पर देखिए, 32 सदस्य कार्यकारी बोर्ड में सदस्य सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर कार्य करते हैं, सिंपल। जैसे 32 सदस्य वाली कार्यकारी बोर्ड होती है ना, ऐसे नहीं कि कोई देश जरूरी है कि उस देश से ही आएगा वो, नहीं। यदि व्यक्ति है काम करता है अच्छा, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा काम किया है उसने विश्व में, अपने देश में, ठीक है, तो उसको चुन लिया जाता है, ठीक है। बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, तो आपको ध्यान ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है, सिंपल है। और आगे देखिए, सचिवालय में एक प्रमुख महानिदेशक होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर सचिवालय जिनेवा में, ठीक है, जिसकी सहायता के लिए एक उपनिवेशक और कई अन्य सहायक निवेशक भी महानिदेशक भी होते हैं, ठीक है। WHO एक अल्प केंद्रीकृत संगठन है, सिंपल बात है, और इसकी 6, अब देखना, 6 क्षेत्रीय संगठनों द्वारा लागू किए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रमुख एक निदेशक, अब देखना, ये एक महानिदेशक है, इसका एक उप महानिदेशक होता है और कई सहायक महानिदेशक होते हैं, ये बैठते हैं कहाँ पे, जिनेवा में, सिंपल, ठीक है। अब लेकिन जो ये निदेशक होते हैं, जो 6 क्षेत्रीय संगठन हैं, इनके निदेशक जो होते हैं, ये मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ बैठते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, हमारे देश में भी बैठते हैं, नई दिल्ली में, सिंपल, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय संगठन है वो कहाँ पर है, हमारे नई दिल्ली, भारत में। जब आप आओ कभी दिल्ली घूमने, जो दिल्ली में रहते हैं वो देख सकते हैं, मेट्रो से आप ट्रेवल करते हो तो दिखता है वो WHO, ठीक है। दूसरा, पूर्वी भूमध्य सागर, ये है मिस्र में, सिंपल। पश्चिमी प्रशांत, ये मनीला में है, अमेरिका WDC, अफ्रीका कॉन्गो, यूरोप डेनमार्क में, ठीक है। ये और बातें हैं महत्वपूर्ण नीचे वाले, ये जो WHO द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस WHO ने ही निर्धारित किया है मनाने के लिए, सिंपल। तो इसमें इतना ही था, दूसरा आपको आधा पेज छोड़ना है, करंट से अपडेट रहना है, सिंपल। थैंक यू वेरी मच।